दिस इज इंग्लिश गार्डन ऑफ सेकेंड क्लास लेसन नंबर 4 द आंट एंड द क्रिकेट चींटी और क्रिकेट झिंगुर ग्रासोपर दिस स्टोरी इंस्पायर्स टू अस टू बी हार्ड वर्किंग पर्सन ये कहानी हमें हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती है बिकॉज यू विल नो क्योंकि आप जानते हैं दैट आंट आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड क्रिकेट्स आर वेरी लेजी आप जानते हैं कि आंट्स जो हैं बहुत परिश्रमी होती हैं और क्रिकेट बहुत मक्कार होते हैं व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी स्टोरी में क्या घटना घटती है लेट अस रीड आओ पढ़ें दरवाजे क्रिकेट एक क्रिकेट था ही वाज सिली वो मूर्ख था ही ऑलवेज सैंग एंड सैंग वो हमेशा गाता और गाता मतलब खूब गाता रहता था ही वेस्टेड हिज टाइम वो अपना समय बर्बाद करता था ड्यूरिंग द समर एंड स्प्रिंग सीजन गर्मी और बसंत ऋतु के समय में ही डिड नॉट कलेक्ट एनीथिंग उसने कुछ भी नहीं इकट्ठा किया ही वेंट ऑन प्लेइंग वो खेलता ही रहा सून ही हैड नथिंग जल्दी ही उसके पास कुछ नहीं रहा टू ईट मतलब खाने के लिए कुछ नहीं रहा विंटर सेट इन सेटिन माने शुरू हो गया जाड़ा शुरू हो गया ही कुड नॉट फाइंड इवन ए ब्लेड ऑफ ग्रास टू ईट उसके उसे खाने के लिए एक पत्ती घास की एक पत्ती भी नहीं मिली इवन माने यहां तक उसे खाने के लिए घास की ब्लेड माने पत्ती भी एक पत्ती भी नहीं मिली ही बिगन टू स्टार्व स्टार्व माने भूखे मरना उसने भूखे मरना शुरू कर दिया ही थॉट ऑफ हिज फ्रेंड उसने अपने मित्र के बारे में सोचा मित्र का थी आंट उसने अपने मित्र आंट चींटी के बारे में विचार किया ही आस्क्ड फॉर द लोन ऑफ सम ग्रेन उसने उससे उधार में थोड़ा अनाज मांगा कि मुझे अनाज दे दो मैं खा लूं द आंट वाज हार्ड वर्किंग चींटी परिश्रमी थी शी कलेक्टेड इनफ ग्रेन उसने पर्याप्त मात्रा में अनाज इकट्ठा कर लिया था फॉर हरसेल्फ इन हर हाउस अपने घर में उसने अपने घर में अपने लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज इकट्ठा कर लिया था द आंट सेड आंट बोली थैंक यू फॉर द विजिट आने के लिए आपको धन्यवाद डिड यू ले बाय नथिंग फॉर द विंटर ले बाय माने बचाना क्या तुमने जाड़े के लिए कुछ भी नहीं बचाया आई एम सॉरी आई डिड नॉट मुझे दुख है मैंने कुछ नहीं बचाया रिप्लाइड द क्रिकेट क्रिकेट ने उत्तर दिया दी वीदर वाज सो वार्म एंड गे मौसम इतना गर्म और प्रसन्नचित था दैट आई सैंग एंड डांस थ्रू आउट द समर कि मैं पूरी गर्मी भर गाना गाता रहा और डांस करता रहा वेरी वेल बहुत अच्छा किया देन तब सेड द आंट ने कहा इफ यू सैंग इन द समर यदि तुमने गर्मी में एलॉन्ग द समर पूरी गर्मी में गाने गाए यू मे गो एंड डांस ऑल विंटर तो तुम जाओ और पूरी ठंडक भर जाड़े के मौसम भर डांस करो वी आंट नाइदर बारो नार लेंड हम चींटियां ना तो उधार लेते हैं ना ही उधार देते द आंट पुश्ड द क्रिकेट आउट ऑफ हर डोर चींटी ने क्रिकेट को धक्का मारकर दरवाजे के बाहर ढकेल दिया एंड क्लोज्ड इट और दरवाजे को बंद कर लिया मे के वाइल द सन साइंस का अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाओ
यानी जब अवसर हो तो खूब मेहनत करो। बारो माने टू इमिटेट, नकल करना या टू लोन या उधार लेना। पुश माने टू एक्सर्ट फोर्स ऑन द बॉडी, शरीर पर धक्का देकर धक्का देना, ताका लगाना। शिली माने मूर्ख, फुलिस, अनवाइज। कलेक्ट माने गैदर, इकट्ठा करना या व्यवस्था करना। गे माने हैप्पी, खुश। लोन माने बार उधार लेना। समर माने हार्ड सीजन, गर्मी का मौसम। स्टार माने टू डेप्राइव फूड, फूड से भोजन से वंचित होना। वेस्टेड माने रूइंड, बर्बाद करना। अनटिल्ड वर्थलेस। तो ये मीनिंग थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कुछ। हु ऑलवेज sang एंड sang क्रिकेट, कौन हमेशा गाता रहा क्रिकेट। क्रिकेट वेस्टेड हिज टाइम, क्रिकेट ने टाइम बर्बाद किया। क्रिकेट्स फ्रेंड वाज आंट, क्रिकेट का मित्र आंट थी। द आंट कलेक्टेड इनफ ग्रेन्स, आंट ने पर्याप्त मात्रा में अनाज इकट्ठा कर लिया। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, सही शब्दों से स्थान भरिए। देयर वाज ए क्रिकेट, एक क्रिकेट था। ही वेस्टेड हिज टाइम, वो अपने समय को वेस्ट माने बर्बाद करता था। द आंट वाज हार्ड वर्किंग, चींटी परिश्रमी थी। द आंट पुश्ड द क्रिकेट आउट, चींटी ने क्रिकेट को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। आप भी दो नहीं दरवाजे के बाहर। वेरी वेल, बहुत अच्छा। देन शेड द आंट, आंट ने कहा। ही वेंट ऑन प्लेइंग, वो खेलता ही रहा। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग वंस, द क्रिकेट ऑलवेज sang एंड sang करेक्ट का निशान लगाइए। द आंट एंड द क्रिकेट वेयर नॉट फ्रेंड्स, ये इनकरेक्ट। द क्रिकेट वाज नॉट सिली, ये इनकरेक्ट। द आंट वाज हार्ड वर्किंग, ये करेक्ट। द आंट पुश्ड द क्रिकेट आउट ऑफ द डोर, ये भी करेक्ट। इस तरह से निशान लगाइए। अब आगे देखिए, नेम द थ्री मेन सीजन ऑफ द ईयर, हॉट यानी समर, समर लिखिए, विंटर रेनी। व्हाट डिड द क्रिकेट डू ड्यूरिंग द समर, वर्क हार्ड। व्हाट डिड द आंट डू ड्यूरिंग द समर, व्हाट डिड द क्रिकेट डू ड्यूरिंग द समर, sang एंड sang। व्हाट डिड द आंट डू ड्यूरिंग द समर, वर्क हार्ड। व्हाट डिड द आंट्स डू, वर्क हार्ड। व्हाट डिड द मॉरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड वर्क हार्ड। इसमें देखिए, ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली, रीड का राइट, कम का गो, हैट का थीन, आउट का इन, बीप का लाफ, किल का सेव और टेक का गिव। ये पढ़ने हैं केवल, प्रोनाउंस करो, लाउड प्राउड श्राउड क्राउड, लाउड प्राउड क्राउड निश्राउड क्राउड। Seen, been, keen, lean. Seen, been, keen, lean. Stick, prick, brick, trick. Stick, prick, brick, trick. Fell, well, bell, hell. Fell, well, bell, hell. अब देखिए नीचे, Sneha is a good girl. पहला अक्षर कैपिटल है। इसमें यू लिव इन मेरठ, मेरठ का पहला अक्षर कैपिटल है। हिज फादर इज एन एडवोकेट, इसका पहला अक्षर कैपिटल है। यानी किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल है और नाम का पहला अक्षर कैपिटल है, जो प्रॉपर नाउन है। तो ये देखिए, पहला टर्म है, टी कैपिटल बनाओ, टी कैपिटल बनाओ। कुतुब मीनार का क्यू और मीनार का एम, दिल्ली का डी कैपिटल बनाओ। टी क्यू एम डी कैपिटल बनाओ, इसमें वाई कैपिटल बनाओ, इसमें जॉर्ज का जी कैपिटल बनाओ। इसके बाद में रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल प्रैक्टिस विद योर,
जॉन ने कहा, व्हेन डिड यू गो टू आगरा लास्ट मंडे? आगरा तुम कब गए थे? पिछले मंडे को। व्हाट डिड यू सी इन आगरा? आगरा में आपने क्या देखा? आई सॉ द ताजमहल। मैंने ताजमहल देखा। ये जॉन और पीटर की बातचीत है। इसमें देखिए सेंटेंस बनाने हैं। आई नेवर बारो, मैं कभी उधार नहीं लेता हूँ। आई नेवर लैंड, मैं कभी उधार नहीं देता हूँ। आई लाइक डांस, मुझे डांस पसंद है। ही लाइक सिंगिंग, उसे गाना पसंद है। द क्रिकेट वाज सिली, सिली माने मूर्ख, क्रिकेट मूर्ख था। द वीदर वाज बर्म, वार्म, बर्म माने गर्म, मौसम गर्म था। द क्रिकेट कलेक्टेड द ग्रेन इन द स्टोर, क्रिकेट ने स्टोर में अनाज इकट्ठा किया। द नहीं, द आंट कलेक्टेड ग्रेन्स इन द स्टोर, आइडियल, द क्रिकेट वाज आइडियल, क्रिकेट मक्कार था। इस तरह से इसमें देखिए राइट फ्यू सेंटेंसेज अबाउट द आंट एंड द क्रिकेट, के बारे में पांच सेंटेंस लिखो। द क्रिकेट वाज आइडियल, वो मक्कार था। ही सैंग एंड सैंग, उसने गाने गाए। ही डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ हंगर, वो भूख से मर गया। या ही स्टार्व्ड। द आंट वाज हार्ड वर्किंग, वो बहुत परिश्रमी थी। ही डिड नॉट बारो मनी टू, ही डिड नॉट लैंड ग्रेन टू द क्रिकेट। ये एलिफेंट बना हुआ, इसको कलर करना।